नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी कुंभ राशि के जातक जातिकाओं को नव वर्ष 2019 की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के विषय का, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को दबाएं और जुड़ जाएं चैनल की तरफ से दी जाने वाली सभी मुफ्त सुविधाओं के साथ। जनवरी 2019 कैसा शुभ समाचार आपके लिए लेकर आ रहा है, इस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सत्य और सटीक जानकारी के साथ यह वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा ग्रहों की चाल कहती है, जैसा ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार पर यह प्रेडिक्शन है। और यदि आपको आपकी चंद्र राशि पता है तो आप अपनी चंद्र राशि से देखें, यदि आपको आपकी नाम राशि पता है या लग्न राशि पता है तो भी आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2019 में क्या ऐसा अद्भुत होगा जिसका लाभ वह पूरे वर्ष भर उठा पाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 2018 उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए था। राहु केतु व शनि की स्थिति 2018 में आपके लिए अच्छी नहीं थी, या कहीं आपके पक्ष में नहीं थी, जिस कारण वर्ष 2018 आपको वह अच्छा फल नहीं दे पाया जितना आपको डिजर्व था या जितना आपको मिल सकता था। तो ग्रह हैं कभी अच्छे कभी बुरे, तो अब बुरा वक्त बीत गया है समझ लीजिए, अच्छा वक्त आ गया है। तो 2018 में आपको मेहनत का पूरा फल ना मिल पाने के कारण बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी निराशा रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आगे आने वाला वक्त कुछ बेहतर दिखाई पड़ता है, 2019 कुछ बेहतर दिखाई पड़ता है 2018 से। 2018 में मंगल केतु की युति के कारण भी आप सभी लोग कुंभ राशि के जातक जातिका परेशान रहे, लेकिन 2019 आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। अब राहु और केतु और अन्य बुरे ग्रह आपको परेशान नहीं करेंगे और आपको अच्छे फल देंगे। तो ग्रहों का दुष्प्रभाव लगभग लगभग समाप्त हो रहा है आपके ऊपर से। और जनवरी माह आपके लिए कैसा जाएगा और क्या क्या शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है एक कुंडली, यह है आपकी जनवरी माह की कुंडली। तो इसमें प्रथम भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा, जो पूरे महीने अलग अलग स्थान में गोचर करेंगे, अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे। और आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं मंगल, और राहु बैठे हुए हैं छठे भाव में, और गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं दशम भाव में, सूर्य शनि और बुध बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में यानी लाभ वाले भाव में, और केतु बैठे हुए हैं व्यय भाव यानी 12th हाउस में। तो यह थी आपकी जनवरी माह की कुंडली। कुंभ राशि का स्वामी है शनि, और शनि देव बैठे हैं लाभ स्थान यानी एकादश भाव यानी 11वें भाव में। यदि आप तेल संबंधी व्यापार करते हैं, कोयले संबंधी व्यापार करते हैं, यदि आप लोहे से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते हैं, मकान बनाने इत्यादि का, रोड़ी पत्थर कंकड़ सीमेंट का कोई काम करते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। इन सभी व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही बेहतरीन है, जनवरी माह उनके लिए शुभकारी है। या आप आर्किटेक्ट हैं, घरों के नक्शे बनाते हैं, या किसी भी तरीके से आप घर में से जुड़े हैं, आप बिजली की फिटिंग करते हैं, आप नल की फिटिंग करते हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से मोटर मैकेनिक हैं, या तेल निकालने का काम करते हैं, समुद्र में जाकर तेल निकालने का काम करते हैं, शिप्स में आपकी ड्यूटी रहती है, या आप किसी भी प्रकार से इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आपको व्यापार और नौकरी दोनों में लाभ होने वाला है। अपने आप को सफल बनाने के लिए आप इस समय में बहुत नए नए प्रयोग करेंगे, बहुत नई नई टेक्निक्स को सीखकर, नई नई जानकारियों को लेकर अपने आप को आप स्वयं सफल बनाएंगे। उसमें आपको शनि देव की कृपा भी मिलेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा, और आपकी मेहनत का भी आपको पूर्ण फल निश्चित तौर पर मिलेगा। व्यापार हो या नौकरी हो, आपकी वाणी का जादू हर जगह चलेगा। आप अच्छी मीठी वाणी से, सुंदर शब्दों के प्रयोग से अपने आप को विजयी बनाएंगे, हर मामलों में आपको लाभ मिलेगा। 2018 की अपेक्षा 2019 आपके लिए बेहतर जाने वाला है, और आपको धन लाभ के अनेक अवसर मिलेंगे, और आपका व्यापार चल उठेगा, और आपकी नौकरी भी
फुल स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से इस महीने दौड़ने वाली है और शुभ लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। और खूब सारी यात्राएं भी होंगी, देश विदेश की यात्राएं भी होंगी, जिनसे भी आपको बहुत सारा लाभ होगा। और यदि आप विदेशों से व्यापार में जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बेहतरीन अवसर मिलेंगे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी को और ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए। तो व्यापारियों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, सभी महिला पुरुषों के लिए बहुत अच्छा समय है, उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो इन सब विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन समय आने वाला है 2019 का। तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार से कोयले से जुड़ा हुआ आपका व्यापार है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप जमीन के नीचे गहराई में कोई चीज़ का शोध करते हैं, या जमीन की गहराइयों में कोई चीज़ आप आपका व्यापार है जो जमीन, जैसे पत्थर, जैसे मार्बल जमीन के नीचे से मिलता है, हीरा जमीन के नीचे से मिलता है, या इस तरीके का भी आपका कोई व्यापार है, तो निश्चित तौर पे 2019 आपको शुभ परिणाम देगा। यानी यदि आप जमीन की गहराइयों में भी जाकर किसी भी व्यापार से जुड़े हैं, समुद्र की गहराइयों में जाकर आप किसी काम को करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। यदि आप ऐसे वैज्ञानिक हैं जो जमीन के नीचे होने वाली हलचल को पहचानते हैं या उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, तो निश्चित तौर पे यह वर्ष आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। और जनवरी माह आपके लिए विशेष अद्भुत फल लेकर आया है, आपकी प्रमोशन होगी, तरक्की होगी, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो जनवरी 2019 में आपका नाम होगा, शोहरत होगा, धन होगा, सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, सभी कुछ होगा। जितनी जितनी बातें, जो जो विषय मैंने आपको बताए, उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए, पढ़ाई करने वालों के लिए भी, और नई नौकरी ढूंढने वालों के लिए भी, नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए भी, और जो लोग पहले से जुड़े हैं उनके लिए भी, तो अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और भी बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए, जैसा कि बहुत लंबे समय से आप अपना घर नहीं बना पा रहे थे, आपको लोन नहीं मिल पा रहा था, या पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, या प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा था, या किसी भी कारणवश आप अपने घर को नहीं बना पा रहे थे, प्लॉट नहीं खरीद पा रहे थे, अपार्टमेंट नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन घर बनाने के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं, तो इस जनवरी में आपके वह रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और आपको एक अच्छे अवसर मिलेंगे अपना घर बनाने के लिए। चाहे ज़मीन खरीदें आप, चाहे बना बनाया घर खरीदें, चाहे नया अपार्टमेंट बुक कराएं, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा अपना नया घर बनाने के लिए। तो सभी कुंभ राशि वालों के लिए घर बनाने के लिए जनवरी का माह शुभ संकेत लेकर आ रहा है, प्रयास अवश्य करिएगा। जो लोग नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिल्कुल नई बिजनेस में जाना चाहते हैं, बड़े दिनों से सोच विचार करके रखा हुआ था, टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। व्यापार नया शुरू होगा और उससे लाभ भी होगा और नए नए लोग भी जुड़ेंगे। या जो लोग नई नौकरी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जनवरी में उनकी इंटरव्यू है, या उन्होंने नया कुछ प्लान कर रखा है नौकरी को स्विच करके एक नई नौकरी में जाने के लिए, तो भी निश्चित तौर पर उनको अवसर मिलेंगे। या कुछ लोगों के ख्वाब थे एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने के, लेकिन वह ख्वाब 2018 में पूरे नहीं हो पाए, तो निश्चित तौर पर जनवरी माह में आप प्रयास करिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी और उत्तम फल और अच्छा पैकेज भी आपको अवश्य ही मिलेगा। सभी कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को, छात्रों ने अपने लिए कुछ कॉलेज चयनित किए होंगे, कुछ सोचा होगा कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और 2018 में शायद उनका रिजल्ट नहीं उनके मन मुताबिक मिला हो उनको, तो 2019 की जनवरी माह में यदि वह फिर से एग्ज़ाम देते हैं या आप उन जगहों के लिए फिर से अप्लाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर 2019 में उनको शुभ परिणाम मिलेंगे। और जनवरी माह में यदि आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है तो निश्चित तौर पर आप उसमें सफल होंगे। तो जनवरी माह में आप वह सभी लक्ष्य पूरे कर पाएंगे जो लक्ष्य आपने 2018 में साध रखे थे, यानी तय कर रखे थे, लेकिन किसी कारणवश आज आप अपने लक्ष्य से भटक रहे थे या लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे थे, तो निश्चित तौर पे आप लक्ष्य पूरा करने के लिए
किस्मत भी आपका साथ देगी और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत, किस्मत, लक चमकेगा और आपके सभी पुराने लक्ष्य, पुरानी योजनाएं जो थी वह हकीकत में बदलकर आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और 2019 में पैसा भी आएगा, सम्मान भी आएगा, सभी कुछ आएगा। और अब आप यह स्लोगन नहीं कह सकते कि अच्छे दिन आएंगे, ऐसा नहीं है, अच्छे दिन आ गए आपके लिए। तो अब आपको बोलना है कि अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन का लाभ उठाने के लिए सभी कुंभ राशि वाले तैयार हैं, मौके का फायदा उठाकर अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए प्रयास अवश्य करिएगा, कोशिश अवश्य करिएगा। लेकिन आप यह भी निश्चित तौर पर मान लें कि भाग्य आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, एक कदम आप चलिए, किस्मत और भाग्य आपके साथ दो कदम निश्चित तौर पर चलेगा। इस पूरे महीने बस आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। जब बहुत कुछ अच्छा होता है तो हम कुछ ना कुछ चीजों में ध्यान नहीं देते हैं, उनको इग्नोर करने लगते हैं। तो जो इग्नोरेंस है कभी कभी वह बहुत बड़ा विषय बन के हमारे सामने आ जाता है। तो हमें किन चीज़ों पे विशेष सावधानियां रखनी है, सभी शुभ चीज़ों में कोई परेशानी ना हो, कोई अड़चन ना हो, तो कुछ ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जो हमें ग्रह सचेत करते हैं। नंबर एक, इस महीने आपको पुलिस कोर्ट कचहरी से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। यदि कोई ऐसा मामला आपके सामने आता है जहाँ पर पुलिस कोर्ट कचहरी, मुकदमा इत्यादि जुड़ा हुआ है, तो फैसले आपके पक्ष में नहीं आएंगे, आपको बहुत ही सावधानी से वहाँ पर समझौता कर लेना चाहिए या फिर चीज़ों को टाल देना चाहिए। जनवरी माह में फैसले इन मामलों में आपके पक्ष में नहीं आएंगे। अपनी आँख का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की चोट लग सकती है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, आँखों संबंधी ऑपरेशन हो सकते हैं या और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो डॉक्टरी सलाह समय पर अवश्य लें। तो ये दो तीन चीजें आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी है इस महीने में। अपनी आंखों का ख्याल रखना है और कोर्ट कचहरी, मुकदमे, पुलिस इत्यादि से दूर रहना है। और इसी के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानी रखने की मैं सलाह देता हूं, और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का और अपना विशेष ध्यान रखें। आपके साल की शुरुआत बड़ी ही जबरदस्त है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके पक्ष में नहीं होंगी, लेकिन वो एक दो चीज़ें हमें कई बार परेशान कर देती हैं। तो क्या चीज़ें वो और परेशान करेंगी, इस विषय पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो 14 जनवरी तक सूर्य व शनि की युति लाभ स्थान पर है। लाभ होगा, पैसा आएगा, संपदा आएगी, यश होगा, लेकिन बड़े भाई से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। 14 जनवरी से सूर्य केतु की युति 12वें भाव में है। यह समय आपकी आंखों को विशेष प्रॉब्लम दे सकता है, दिक्कत दे सकता है, तो इस समय में आंखों का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए, खर्चे बढ़ सकते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। वाद विवाद हो सकता है, पिताजी से झगड़ा हो सकता है या बड़े भाई से कोई किसी विषय पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पिताजी से संबंध खराब हो सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको विशेष सावधानी इस समय पर रखनी चाहिए। और इस समय पर आपके जीवन साथी से भी मतभेद हो सकते हैं, तो जीवन साथी से मतभेद ना हो इसके लिए अपनी वाणी को मधुर रखें, गुस्सा ना करें और उनकी सभी बातें सुने और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैसले लें, तो यह मतभेद दूर भी हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात और भी है कि ये सारे मतभेद होंगे, झगड़े भी हो सकते हैं, छुटपुट बातें भी हो सकती हैं परिवार में, पिताजी से, पत्नी से, भाई से, लेकिन यह मतभेद लंबे नहीं चलेंगे और झटपट सॉल्व भी हो जाएंगे, इसका कोई रास्ता भी निकल जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या मिनटों के लिए चिंता अवश्य हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो आप बहुत पैनिक मत होइएगा, बहुत क्रोधित मत होइएगा और चिंताग्रस्त मत रहिएगा, समस्या का समाधान अति शीघ्र हो जाएगा। अब बात करते हैं शुभ अशुभ तारीखों की। इस पूरे जनवरी माह में कौन कौन सी शुभ अशुभ तारीखें आपके लिए रहेंगी, ताकि आप पहले से सचेत हो जाएं। तो 12 और 13 जनवरी आपके लिए शुभ है और 21 और 22 जनवरी आपके लिए अशुभ है। 5 और 6 जनवरी आपके लिए अशुभ है। 7 और 8 जनवरी आपके लिए अशुभ है। और कुछ ऐसी डेट्स पर बता रहा हूँ जिसमें आप मानसिक तौर पर चिंताग्रस्त रहेंगे, परेशान रहेंगे, या कहें आपके सर पर एक अनजाना सा बोझ रहेगा, सर दर्द, पीड़ा रहेगी, माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है, या सर संबंधी कोई भी आपको परेशानी है वह बढ़ सकती है, या आप चिंताओं में रह सकते हैं, एकांत प्रिय हो सकते हैं, लोगों से खिंचे खिंचे रहेंगे, लोगों के साथ उठने बैठने का मन
नहीं करेगा, तो उन डेट्स को भी आप नोट कर लें, याद कर लें, ताकि आप पहले से सावधान रहें। तो वहाँ डेट्स रहेंगी जहाँ पे मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, 7 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 25 और 26 जनवरी। तो इन डेटों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जिन उपायों से आप इन सभी परेशानियों से लगभग लगभग बच सकते हैं। तो उपाय नंबर एक है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। और यदि आप सभी कुंभ राशि वाले जातक जातिका एक माला यानी 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से दिन का शुभारंभ करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेकर दिन का शुभारंभ करते हैं और किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक और दुधाभिषेक करते हैं, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले महीने भी आपके लिए शुभ रहेंगे और यह महीना तो शुभ रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और एक बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ लें, तो निश्चित तौर पर आपका जनवरी माह भी शुभ जाएगा और आगे आने वाले महीने भी शुभ परिणाम आपको देंगे। तो जनवरी माह में कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ अच्छा होने वाला था, क्या कुछ लक्ष्य उनके पूरे होने वाले थे, कहाँ कुछ सफलता थी, कहाँ कुछ सावधानियाँ थी, कौन सी अच्छी डेट्स थी, कौन सी बुरी डेट्स थी, सभी जानकारियाँ मैंने आपको संक्षेप में देने का प्रयास किया है। तो आप सभी का जनवरी माह उम्मीद से बेहतर जाए और जैसा आपने सोचा था, जैसा मैंने बताया था, इसमें और प्लस हो और ज़्यादा खूबसूरत रहे, ऐसी परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। आप सभी लोग सुखी रहें। हरिओम, नमस्कार।